I've gained a lot as in a deeper understanding of self. More than any health issues, I had a lot of mental issues, but I was mentally disturbed. So every program from Coyote Sir to even the mental, to even the food habits and food meditation and the whole program has been extensively helpful. I've gained a lot as in a deeper understanding of self. More than any health issues, I had a lot of mental issues, but I was mentally disturbed. So every program from Coyote Sir to even the mental, to even the food habits and food meditation and the whole program has been extensive. I've gained a lot as in a deeper understanding of self. More than any health issues, I had a lot of mental issues. But as mentally disturbed. So every program from Coyote Sir to within the food habits and food meditation and the whole program has been extensive. And I've gained a lot as in a deeper understanding of self. More than any health issues, I had a lot of mental issues. But as mentally हाँ जी, अब बोलिए, अब दोबारा से अनम्यूट करिए अपने आप को। ये हेलो एवरीबॉडी, आई विल मेक दिस क्विक एंड फास्ट। आई एम लक्ष्मी फ्रॉम विजयवाड़ा। ये लक्ष्मी, अब भी आवाज ये कैसे आ रही है घर घर की? सॉरी सर, ये आवाज आ रही है कुछ मेरे को नहीं आ रही है सर। ये किसी ने खोल, आपकी आप भी आपका बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है कोई? मेरे में सिर्फ फैन है सर, वैसे भी होम क्वारंटाइन में हूँ। नहीं देखिए, अब आवाज नहीं आ रही है, अब मैंने सबको म्यूट कर दिया। अब आप अनम्यूट करिए एक बार फिर अपने आप को। आ रही है सर? बोलिए, आ रही है आवाज, ये आपके कुछ से आ रही है, चलिए बताइए। हेलो एवरीबॉडी, इट्स लक्ष्मी फ्रॉम विजयवाड़ा हियर। बाय प्रोफेशन आई एम अ स्पेशल एजुकेटर एंड सो आई एम इनटू काउंसलिंग एंड स्पेशल एजुकेशन, दैट्स माय फील्ड ऑफ पैशन। And over 2-3 months, I've been with Sir, and it's been an amazing transformation journey for me to understand myself, to work better with myself and my body. So all the things I knew, I thought I knew the answer, right from the physical health to I was a yoga practitioner, and I thought I was good at eating food and all that. But I realized that stress, strain had worked a lot of its effect on me. And this program, this holistic program, helped me realize so much about myself. I'm really grateful for it. And it's my dream that, you know, I could take this on to all the parents and special students who really suffer. And they find it difficult to organize their life. And this is one of the most beautiful ways of organizing life. If your day starts good, your day ends better. So that's the most amazing thing about this program, and I would invite you all to enjoy the 6 days and keep working on yourself. Happy learning. Thank you. तो लक्ष्मी, शेयरिंग आप करा सकते हो, लोगों को इनवाइट कर सकते हो शेयरिंग के लिए जिन्होंने नाम डाला है अपना? आर यू अवेलेबल? या आई एम अवेलेबल सर, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेन हो रहा है सर कंटिन्यूअस। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। रुचि जी आप भी हो ना? चलिए देखिए, कोई आवाज जो आ रही है ना, इसको देखना है कहाँ से आ रही है। चलिए अभी मैं शेयरिंग कर दूं। हाँ जी, नहीं पहले नाम किसने डाला है? निधि ने डाला है पहले नाम। हाँ जी निधि, आप आइए। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी, आज का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ क्लास वर्कशॉप करके। आज का फर्स्ट डे मुझे अभी बहुत पीसफुल फील हो रहा है ये सब बातें सुन के। और ये नहीं पता था कि इतने एलिमेंट्स होते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, जिनसे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हम काफी सारी अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। सो आई रियली एंजॉयड इट। ओके थैंक यू सर। एक क्वेश्चन भी था। हाँ जी बोलिए सर। जैसे आपने बताया कि आप ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल जूस ले सकते हैं और 4-5 में आपका डिनर होना चाहिए, वो सलाद होगा और उसमें जो आपने एडिशनल चीजें बताई, तो क्या उसके बाद जैसे आपने बताया सूप, तो उसकी जगह हम वेजिटेबल जूस को भी रिपीट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके ओके थैंक यू। हाँ जी नमस्ते सर। क्या नाम है? हाँ आशीष जी बताइए।
मैंने एक कोर्स 15 मार्च, मैं आशीष देसाई सीए हूँ बॉम्बे से, विले पार्लर रहता हूँ, और एक कोर्स मैंने 15 मार्च को ज्वाइन किया था और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। एक्चुअली अभी मैं शेयरिंग करने ही आया हूँ कि मुझे 15 मार्च को जब सर ने लास्ट 15 मिनट के जो स्लाइड बताया, ये खाना है इतने बजे खाना है, तो मैं थोड़ा डर गया था। हो सकते हैं यहाँ जो भी सब बैठे हो भी सब डरे हुए रहेंगे कि क्या बोल रहे हो, तो बोला था ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया था हमको। बट बिलीव मी, वो जो सिक्स एलिमेंट्स है, जो भी हम लोग डे बाय डे हम कनेक्ट होते जाएंगे, तो वहां से मैं सोचता था यार इतना सब कम करने बोला है सर खाने के लिए, तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा अगले 5 दिन ड्यूरिंग द कोर्स। कोर्स के बाद तो मैंने अपना डाइट डिस्कवर कर रहा हूँ अपने आप से, बट ड्यूरिंग दैट 5 डेज में थोड़ा डरा हुआ था, बट मैंने पूरा सर पे फेथ रखा कि सर कुछ तो बोल रहे तो कुछ तो लॉजिक रहेगा, क्योंकि वो 30 साल से कर रहे। तो मुझे वो एक सीक्रेट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो एलिमेंट्स जो सर ने बताया, जो 6 एलिमेंट्स है, हमको 5 एलिमेंट पता है और 6 है साउंड, जो मंत्र कुछ अच्छे सुनने हैं कि जो आजू बाजू में आवाज आ रही है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वहां से भी हमको मिल रहा है। एक्चुअली मैं अभी एक्चुअली आई एम स्टैंडिंग फॉर 5 मिनट्स इन अ सन एंड देन जस्ट सीइंग द स्काई एंड जस्ट आई एम कनेक्टिंग, जस्ट लाइक ऐसा मम्मा कैसे अपने बच्चे को उठाते और वाइट वॉट दैट कनेक्शन, द सेम कनेक्शन आई एम स्टार्टिंग अप्लाइंग इन माई लाइफ एंड मुझे बहुत ही, मेरा इंटेक बहुत ही कम हो गया है और फुल एनर्जेटिक लग रहा है। और मेरा कोर्स के समय मेरा 80 kg था, तभी मेरा 70 हुआ था, अभी मैं 74 पे हूँ और मैंने उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लिए, नेचुरली हुआ है। तो ऑल द न्यू पार्टिसिपेंट नॉट गो इन पैनिक मोड, बी रिलैक्स, हैव अ स्माइल एंड इट इज पॉसिबल। मैं ये मानता नहीं था कि ये सर कुछ भी बकवास कर रहे, सर मुझे माफ करना थोड़ा वर्ड ऐसा यूज कर रहा हूँ, बट जब भी मैंने उसको फेथफुली एज आई इम्प्लीमेंटेड, इट इज पॉसिबल। माई ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई पार्टिसिपेंट, बिलीव मी, थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखना और कमिटेड करना, और इट इज पॉसिबल। थैंक यू। चलिए, और किसने डाला है नाम? गगन जी हैं। हाँ गगन जी, आइए। देखिए, सबसे पहले अपना परिचय देना है सबको, आपका नाम बताना है, बार बार बताएंगे आपका नाम कहाँ से है। और देखिए, ज्यादातर लोग फेसबुक से आए हैं, फेसबुक ऐड से, लेकिन कोई फेसबुक बिना ऐड के भी कोई आया हो, जो फेसबुक ऐड देख के नहीं आया, किसी और रेफरेंस से आया हो, किसी और हमारे ग्रुप से आया हो, तो वो भी अपना बताएं अपने बारे में। हाँ जी गगन जी, कहाँ है गगन? हाँ जी गगन, आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते जी। हाँ मैं गगन बोल रही हूँ सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ सर, मैंने आपका ये सुना है सर, अभी आप कह रहे कि जैसे जूस लेना है, ये लेना है, तो हाँ जब, हाँ तो वैसे कहते हैं कि अभी पूरा टाइम पीरियड ऐसा है, तो आपको अच्छी डाइट लेनी है ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, और ये तो फिर अभी जैसे आप कह रहे हैं कि जूस लेने हैं और वेजिटेबल लेने हैं, इतनी फास्टिंग करनी है, तो इससे फिर इम्यून सिस्टम का कैसे, हमें समझ नहीं आ रहा। कोई कह रहा अच्छी डाइट लो, 6 दिन के अंदर समझ आ जाएगा आपको, अपनी इम्यूनिटी और फिटनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। हाँ जी सर, जैसे आज मेरा फास्ट है, आज पूर्णमासी का, तो फिर मैं जैसे वेजिटेबल वगैरह कुछ नहीं ले पाऊंगी, मैं तो फ्रूट्स ही ले सकती हूँ, तो सारा दिन फ्रूट्स खाऊंगी, क्या कैसे होगा? देखिए, अगर पूर्णमासी का फास्ट है तो पूरा रखिए ना, पानी पर रखिए, 1 दिन फास्ट करना है आपको, हमने बताया। तो अगर एक दिन आपको चूज करना है, या तो अपनी मर्जी से कर लीजिए, नहीं तो कोई दिन हम बताएंगे आपको कौन से दिन करना है, अभी बता देता हूं मैं आपको। देखिए, 1 दिन फास्ट हम रिकमेंड करते हैं, 26 तारीख चतुर्दशी, आज का दिन सबसे बढ़िया है फास्ट का, 26 तारीख। तो जो चाहे आज से शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो कल रख सकते हैं, जो भी दिन आपके लिए कन्वीनियंट हो। 1 दिन आपको पानी पे फास्ट रखना है, शाम से अगले दिन, मतलब शाम के 5 बजे तक, आज शाम को 5 बजे से लेकर अगले दिन 5 बजे तक कर सकते हैं। और अगर अभी तक कुछ नहीं खाया तो शाम के 5 बजे तक आप रखिए, शाम को फल खा लीजिए। ठीक है सर, ये कर सकते हो आप, ठीक है ना? चलिए, हाँ जी, किसने नाम डाला है? रुचि, आपने नोट किया नाम सबके? नेक्स्ट है विवेक अग्रवाल जी। हाँ जी विवेक जी। नमस्ते, मैं विवेक अग्रवाल कोची से। हाँ जी, और मैंने, मेरा ये पहला क्लास है, really feeling lot of energy already inside. डाइट के बारे में लेके थोड़ा सा मैं देखा, मैंने
I think this is going to give us a lot of energy. So I'm quite hopeful and looking forward to have a very good time and increase my energy level in the coming 6 days. No specific question. Thank you. Sanjana ji. Yeah, good morning, everyone. I'm a medical practitioner. I live in Mumbai. मैंने इस प्रोग्राम के बारे में फेसबुक से पता चला था बट दीप्ति वाज देयर विद अस टुडे शी वाज द मेन मोटिवेशन टू मोटिवेट मी टू जॉइन दिस कोर्स एज अ डॉक्टर आई एम अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ मेडिकल साइंस बट द सेम टाइम आई एम अवेयर ऑफ द लिमिटेशंस आल्सो सो आई नो कि सारी बीमारियां दवाइयों से ठीक नहीं की जा सकती है ऑल्सो इन द टुडेज कोविड टाइम्स वी हैव नोटिस कि जो लोग जिनका पेट हेल्दी रहता है जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर योगा करते हैं उन लोगों का इम्यूनिटी उनका रेजिस्टेंस उनका उस बीमारी से ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अनहेल्दी पीपल हु आर ओबीस और हैविंग कोमॉर्बिडिटीज सो आई डोंट हैव एनी कोमॉर्बिडिटी एज सच एक्सेप्ट फॉर माई ओवरवेट सो माई मेन एम इज टू लूज सम वेट एंड फॉलो अ हेल्दी लाइफ स्टाइल मेक लॉट ऑफ चेंजेस इन माई लाइफ स्टाइल तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसमें से ज्यादा चीजें अपने डेली रूटीन में इंकल्केट करूँ आज से ही थैंक यू तो डॉक्टर साहब अगर आपको लाभ हो गया इनसे 6 दिन में मैजिकल आपको एक्सपीरियंस होता है तो अपने पेशेंट्स को भी सिखाओगे यस जरूर जरूर सर डेफिनेटली इस मिशन में हमारी हेल्प करोगे यस यस डेफिनेटली सर चलिए गुड तो आपको आपके लिए तो हम विशेष रूप से काम करेंगे विनायक जी अनम्यूट कीजिए विनायक जी पूरा प्रोफाइल हाँ अब ठीक या नमस्कार जी आज भी मेरा पहला दिन था मेरा नाम विनायक है मैं मुंबई से हूँ मैं एक शिक्षक हूँ गणित विषय सिखाता हूँ और ये मेरा पहला दिन था मुझे फेसबुक से ही मालूम पड़ा इस वर्कशॉप के बारे में और कुछ अनुभव थे मेरे जैसे मैंने मेरे जो दादाजी थे वो 90 इयर्स तक जिए थे और मैंने उनको देखा था और 90 इयर्स की उम्र में भी वो उनको ना तो कुछ डायबिटीज था ना तो ब्लड प्रेशर था कुछ नहीं था वो तो सिर्फ अपने ओल्ड एज की वजह से वो गए हैं और मैंने एक देखा था कि उन्होंने कभी ज्यादा दवाइयों का सेवन नहीं किया था तो मेरा ये मानना है कि जो भी अभी हमको इस उम्र में जैसे मैं अभी 48 साल का हूँ तो इस उम्र में हमको जो भी होता है बैक एक होता है या तो कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है ये वो तो ये सब है वो लाइफस्टाइल की वजह से ही है हमारी बीमारियां तो जैसे आज आपने बताया काफी है ना आपका डाइट है और आपके जो मॉर्निंग रिचुअल्स है और नाइट रिचुअल्स है सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू कनेक्ट अस टू अवर रूट्स यू नो टू द नेचर And usse, you know, we can live a medicine-free life. I somehow or the other have that conviction and faith. So usi faith pe main ye 6 din mein aasha kar raha hoon ki mujhe knowledge-wise aur practice-wise kaafi laabh ho. And aaj ke session ka ek mujhe ek prashn mujhe puchna tha. Jaise ki aapne ek chota sa session liya tha jisme aap humne kal jo kiya uske bare mein aap zara vichar kijiye aur aapne hamein wo acha practice bhi diya. लेकिन एक जो मुझे वहां पे कठिनाई हुई कि प्रोबेबली ये मेरी कठिनाई हो सकती है लेकिन मुझे ज्यादा चीजें याद नहीं रहती मतलब जब कल जो मैंने किया था वो जब मैं सोचने की कोशिश कर रहा था तो सपोज मैंने 100 चीजें की होगी तो हार्डली 5 आई मस्ट बी रिमेम्बरिंग सो क्या वजह हो सकती है इसे और ये मेरा अनुभव मेरे बचपन की यादें हैं जो मेरे कॉलेज की यादें हैं इसके ऊपर भी है मुझे ज्यादा याद रहता नहीं है तो मेरी बीवी कभी कभी बोलती है इसलिए आप सुखी भी हो कि ज्यादा आपको याद रहता नहीं है करके तो जस्ट जानना था मुझे कि ये जो एक्सरसाइज है जो हम आज पूरा दिन में जो किया हम लोग रात को याद करते हैं उससे मैं अपनी याददाश्त कैसे बढ़ाऊं जल्दी सर वो अपने आप हो जाएगा उसकी चिंता मत करो जितना सुबह से शाम तक आपको याद आए एक बार देख लिया विशेष रूप से तो घटना याद नहीं करनी है हमारा माइंडसेट क्या है हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं उस समय उस पर ध्यान देना है तो
तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, लोगों से मिलते समय जुलते समय जज करते हैं लोगों को, अपने आप को भी जज करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी पे गुस्सा करते हैं, तो दिन भर हमने कैसे व्यतीत किया। तो जो बड़ी बड़ी घटनाएं वो याद रह जाती है, बस उतना काफी है। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो याद रह जाती हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है वो याद नहीं रहती हैं। तो उन चार पांच जो चीजें हैं उन्हीं पे आप ध्यान दीजिए बस। हाँ जी, और किसने नाम डाला है? भक्ति जी। नमस्ते जी सर। सवाल ये था कि घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो जो सिटअप्स की आपने बात करी तो अभी मैंने आपके साथ करने की कोशिश भी की, लेकिन चार पांच से ज्यादा नहीं और वो भी पूरा फोर्स से नहीं कर पाई। तो आई होप 6 दिन के बाद कुछ फर्क आएगा। बिल्कुल आएगा फर्क, क्यों नहीं आएगा। गुड, थैंक यू सर। हाँ जी, आप बताइए। आप गौरी जी सर। बताइए पहले अपने बारे में। देखो बार बार बताना है अपने बारे में, और हर बार कोई अच्छी बात बतानी है अपनी। सर तो मेरा नाम गौरी है, मैं एक लॉयर हूँ, मुंबई से ही हूँ, विलेपार्ले में रहती हूँ। सर फर्स्ट क्लास था, सो वाज रियली इंस्पायरिंग, सबकी बातें सुनी एंड आई रियली डिडंट फील। आपका डाइट देखा और मैंने मम्मी को वही बोला कि ये कैसे होगा, बट आई एज आशीष सर सेड कीप फुल फेथ इन यू, सो आई विल गो ऑन दैट फुटिंग एंड आई होप आफ्टर 6 days आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सी माई सेल्फ, आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू यू नो माई सेल्फ। सो थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर इंस्पायरिंग, गिविंग द इंस्पायरिंग टॉक एंड थैंक यू सर फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन। आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर दिस कोर्स। थैंक यू, आपका स्वागत है। देखिए सागरिका आप आइए, आपको जल्दी है। देखो जिसको जल्दी है वो बिना परमिशन के भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन अपनी शेयरिंग करके जाइए, कोई प्रश्न है तो पूछ के जाइए। हाँ जी सागरिका जी। नमस्ते, आई एम सागरिका फ्रॉम दिल्ली, आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मुझे ये आपका दिस नेचर से जो जुड़ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसमें कम्प्लीटली बिलीव करती हूँ। इनफैक्ट लाइफ में मेनी टाइम्स आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी विद सच थिंग्स एंड आई हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, बट समहाउ अदर मेरा लाइफ स्टाइल और डिसिप्लिन लेवल में बहुत कमी रही है इन बिटवीन, सो आई हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ टू एक्सपीरियंस दिस अगेन एंड होपफुली आई विल बी एबल टू कमिट माई सेल्फ एंड डू इट। थैंक यू। दीप्ति जी। ओके दीप्ति, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अच्छा, I'm in this course from last 6 months, more than 6 months, and I really enjoy this course. If someday I don't do it, so I think today something is missing from my life. I'm addicted to this course, I think. And abhi long term ke saath, sir ke saath, maine bola hai, I'll be with you. And this course has benefited me a lot. I've got varicose vein problem, and I was told by doctor to get the surgery done. But abhi I don't have any problem for varicose vein. I don't feel tired for standing for a long time and all. Plus, this course has given me very positive attitude towards life, and my relation with everybody in the family has improved. And I don't feel like gussa mujhe nahi aata hai. Chhoti-chhoti baaton pe I don't get irritated. And I had a disturbed sleep pattern also, and that has also improved. I sleep on time, and 4 o'clock morning I'm early riser. I get up fresh. Then I do what rituals sir has said, apna bed yoga, breathing and all I do. And 5 o'clock tak I get ready, I take my bath.
And best part of the program is early morning, you are free with all your daily chores. And uske baad we do Surya Namaskar. And also, the whole program is very good. And it's helping me out in a very, very, it's a lot of ways. Thank you, sir. I'll be with you for long term. Yeah, thank you. Thank you. Thank you very much. Haji. Sir, I want to ask a few questions. Okay. Haji. Will you be sharing the PPT with us? And notes hum share karenge aapke saath. Whatever rituals, morning rituals you have told us, do before joining, I think will it take an hour's time? So we can decide what time to get up. Yes, bilkul. I don't think by getting up, we'll have to get up a bit earlier than that, right? For everyone's benefit, I'm asking. Yes, 4:30 baje uthenge, sab kaam ho jayega aapka. Theek hai na? और जल्दी करेंगे तो 4:30 बजे उठने के बाद हो जाता है, घंटा भर लगता है, घंटा सवा घंटा 4 बजे. नहीं, कुक्ड फूड में आप सूप ले सकते हो, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हो. ओके. और स्वीट पोटैटो ले सकते हो, स्वीट कॉर्न ले सकते हो बॉइल करके. तो बताया ना, वो ये रॉ डाइट नहीं सजेस्ट कर रहे हैं हम आपको, लेकिन अगर आपको रॉ से ही संतुष्टि हो जाती है तो वो कर सकते हो आप. फिर कुक देना जरूरी नहीं है. And one day on water you are saying, right? Within these 60. हाँ, one day water पे करना है. आज कर सकते हैं जो आज करना चाहे, कल करना चाहे कल कर सकते हैं. Till tomorrow morning on water, right? Pardon? Till evening or tomorrow morning water? नहीं, 24 घंटे का रखना है ना कम से कम, 24 hours minimum. और ज्यादा का कोई रखना चाहे तो ज्यादा का भी रख सकते हैं. नहीं, एक दिन काफी है तो begin में. नहीं, ज्यादा का मतलब रात को भी मत लीजिए, अगले दिन सुबह लीजिए फिर. हाँ, तो ये 42 घंटे का हो जाता है. I am really looking forward to this because I have taken special off. Yes, yes, yes. That's right. But then I will have to, you will have to guide me, sir, after 6 days because I leave 6 o'clock in the morning. हाँ, उसके बाद बताएंगे आपको, कस्टमाइज करेंगे आपके हिसाब से. अच्छा, अभी किसी को जल्दी है, देखो जिसको बहुत जल्दी है वो अनम्यूट कर सकते हैं आप. रोहिणी जी. हाँ रोहिणी, आ जाइए. सर, मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ. शाम को 7 बजे मेरा खाना खत्म हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे 12 o'clock आई हैव माय फूड. तो यही मैं चालू रखूँ या आज का आपका जो डाइट दिया है वही करूँ? नहीं तो इस, हमारे इसमें फर्क क्या है? ऐसी करो जैसे हम बता रहे हैं, इसमें भी तो इंटरमिटेंट फास्ट ही है ना. हाँ, लेकिन आपका पूरा फ्रूट वगैरह है, आई मीन 80% रॉ है आपका. हाँ तो ऐसी करिए आप, अब तो ऐसी करिए ना. ओ ठीक है, थैंक यू सर. यू आर वेलकम. हाँ जी, अभी कौन कौन आ रहे हैं? आइए. तो मेरा क्वेश्चन ये था, आई हैव अ लोअर बैक प्रॉब्लम. तो सिट अप्स एंड ऑल डॉक्टर हैड सेड अवॉइड इट, जैसे लाइक सूर्य नमस्कार एंड ऑल दैट. तो शुड आई स्टिल डू इट और व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, दो तीन चीजें हैं. या तो अपने डॉक्टर से पूछ के करिए, वो कर ही रहे हो, डॉक्टर को फॉलो कर ही रहे हो. कब से कर रहे हो डॉक्टर को फॉलो? कितने साल हो गए आपको? बहुत साल से सर. कितने? फिर भी कितने साल हो गए? 10-12 साल से डॉक्टर को फॉलो कर रहे हो आप ब्लाइंडली, हैं? उसको फीस भी दे रहे हो और उसकी कहना भी मान रहे हो. कुछ फायदा हुआ आपको? सर. नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना. हाँ. अब अपने दिल की भी सुनना शुरू करो ना थोड़ी देर. अपनी बॉडी से पूछो वो क्या चाहती है. अगर वो कर सकती है तो उसको करने दो, नहीं कर सकती है तो मत करने दो. उसको एक बार मौका तो देखे, देखो एक उड़ान तो भरने का मौका तो दो उसको. एक प्रॉब्लम ये है कि घर बैठ जाता है सर. आई मीन व्हेन पीपल टेल यू लाइक वी आई डिड योगा एंड देन सडनली यू हैव दिस बैक प्रॉब्लम एंड देन द डॉक्टर सेड
we told you not to do it and then you did. You start getting scared and I think that's when it gets worse. देखिए सब सुनिए, इनका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये डर बैठ जाता है, ये डर किसने बैठाया है? आपके पेरेंट्स ने आपके मन में बैठाया है, आप अपने बच्चों के मन में बैठाते हो। जब बच्चा छोटा होता है बार कितनी बार टोकते हो, बेटा गिर जाएगा, चढ़ो मत स्टूल के ऊपर, यहां मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये डरना हम सिखाते हैं अपने बच्चों को, ये एजुकेशन सिस्टम सिखाती है आपको, जिसके लिए लाखों रुपए फीस भरते हो आप। तो इस डर से बाहर निकलना है ना। हाथी को भी तो ऐसे डरा के रखा है ना बचपन से हमने, है जरा सी जंजीर से बंधा रहता है, है क्या वो हाथी उस जंजीर को नहीं तोड़ सकता है क्या, बताइए? लेकिन उसको डर लगता है, है गुलामी की जंजीर हमने बांध रखी है ना अपने पैरों पे। तो थोड़ा मैं नहीं कहता एकदम करो, आप धीरे धीरे करके देखो ना, करके देखो, जितना शरीर करे उतना करो, और आपको पता नहीं चलेगा कब शरीर वो सारे बंधन तोड़ देगा। थैंक्स सर। Okay, I mean it's even with the medicines as well, sir. Kehte hai na, like hypertension hai, BP hai, to you know you should not stop taking medicines. Aur kuch ho jayega and all that. Dekhiye, dekhiye, dar dar ke jeena, jeene se koi fayda hai kya? Kuch din nidar hoke jilo, hai? Aur ye bataiye, khone ke liye aapke paas hai kya? Kumud ji, kya hai khone ke liye? Ye jeevan shreen sharir hai, aap batao. किस बात की घबराहट है आपको, बताइए क्या खो जाएगा? अरे दूसरा जन्म मिलेगा तो और अच्छा मिलेगा, ठीक है, बचपन शुरुआत बचपन से होगी, क्या है खोने के लिए, आप बताओ किस बात का डर है? और फिर मैं ये नहीं कहता कुछ जबरदस्ती करो अपने शरीर के साथ, धीरे धीरे करो, दवाइयां भी धीरे धीरे टेपरिंग करो, ठीक है ना। तो एकदम प्लंज लेने के लिए मैं नहीं कहता कि एकदम छलांग लगा दो, धीरे धीरे है, धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, है ना। कुछ लोगों को अचानक हो जाता है, देखो अब ऐसे तो लोग होते ही है ना। तो सभी तरह के लोग होंगे। हाँ जी, जेसी मैडम। हाँ जी आइए जेसी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फर्स्ट डे एंड रियली मतलब बहुत अच्छा लगा सर। एंड सर मैंने कोर्सेज तो बहुत सारे किए थे लेकिन कंटिन्यूटी नहीं कर पा रही थी एंड राइट नाउ इट इज द नीड ऑफ द आवर। सो आई थिंक आई गॉट यू एज अ राइट चैनल टू कंटिन्यू वंस अगेन। एंड सर अभी बॉडी वेट तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है बिकॉज आई हैव बीन ईटिंग जंक एंड ऑल। एंड सो पुशअप्स नहीं हो पा रहे थे मेरे से, पूरा बॉडी नीचे आ रहा था। एंड एक तो वो है और दूसरा मैं मेडिसिन ले रही हूँ कोलेस्ट्रॉल का, डायबिटीज का। तो अभी पूछ रही थी कि अभी 6 दिनों में जो डाइट चेंज होगा उसमें मेडिसिंस भी कंटिन्यू कर दूं क्या? ये आपको निर्णय करना है। नहीं बट बिकॉज दैट इज फाइन कुछ मतलब बिकॉज डाइट लो होगा ना तो मेडिसिंस में इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क। देखिए क्या अच्छा प्रश्न है, बाकी लोग भी आप समझ लीजिए इस बात को। देखिए मेडिसिन का कोई योगदान नहीं है आपके स्वास्थ्य में, और ये भी एक बिलीफ सिस्टम है जो 6 दिन के अंदर टूट जाएगा। बिलीफ सिस्टम क्या है कि मेडिसिन आपको हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। आप सालों से मेडिसिन ले रहे हो और फिर भी डर बना हुआ है इन्हें छोड़ दिया तो क्या होगा, जबकि इनसे आपकी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन। तो एक बार समीक्षा तो करनी है आपको या नहीं समीक्षा करने की जरूरत है, आप बताइए? समीक्षा करने की जरूरत है। देखिए दो बहुत गहरे बिलीफ सिस्टम है हमारे जिनको इन 6 दिन के दौरान तोड़ना है। पहला तो फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और इस भ्रम से हम जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं और 6 दिन में आपका ये टूटने वाला है। और दूसरा बिलीफ सिस्टम कि दवाइयां स्वास्थ्य प्रोवाइड करते हैं, ये कब से आपको फीड किया गया है? तब से जब आप गर्भ में थे। देखिए आप गर्भ के समय ही आपको फीड किया जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिसिन दी जाती है, और फिर बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसको मेडिसिन दी जाती है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए। तो बचपन से ये कंडीशन किया गया आपको, इस कंडीशनिंग को छोड़ना आसान नहीं है। ये दो बड़ी कंडीशनिंग है हमारी, लेकिन ये जो सारा प्रोसीजर हमने बनाया है
ये जो सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम इन दोनों कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए ही बनाया है। तो 6 दिन आप करो आराम से, ये आपका टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा और जरूर टूटेगा। विकास जी हैं, विकास जी आप आना चाहें तो आ जाइए। विकास जी ने शायद नंबर डाला है, रुचि देखो किसने डाला है, मेघा जी आप आ जाइए। Megha Jain, I am from Delhi, presently staying in Udaipur since a year. And so I, by profession, I am a nutritionist and and I'm an entrepreneur. I have a food company. So I have been doing Shatavashyak since long and been attached to Sir. It's been 6 months now. So being a nutritionist, never. I used to follow some other system, which was a traditional system, and this is a nature's cure system. So it has given me a different knowledge. So basically, what I want to say is that we have so much information, the abundance of information is WhatsApp, papers, sab health ko leke. So being a nutritionist, being into this field, if I can get confused, so people, normal people will definitely getting lost in this information. And I'm very grateful to Sir. Sir has sare information ko ek system aur ek process mein unhone ek system ko develop kiya hai, which is a beautiful system. So which takes care of you holistically. आपका इमोशनल लेवल, सोशल एंगल्स, आपका फिजिकल एंगल, फाइनेंशियली, यू नो इमोशंस, ऑल द एंगल्स, कंसीडरिंग ऑल द एंगल्स, ही गॉट दिस एक सिस्टम बनाया विच आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी थैंकफुल। सर ने बहुत हम्बल वे में जेनरसली ही हैज गिवन अस द इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म दिस सिस्टम एंड वी शुड आई विल request and it's my humble request because I've been a participant following the system ki aap isko granted nahi lijiye, har ek choti se leke badi baaton ko sir ne ek jo piroya hai, ek jo bolte hai isme ki bhale ek forgiveness hai ya food hai ya it's a, so that's what I want to say that please, it's a great, I congratulate you all and it's a great start. Just follow the system, go with the system, have the belief. And so I will be taking a few cases, I will be assisting them. And the few things I want to say is so I'll be having a group wherein there'll be few people with me and I'll be opening the group for the 2-3 hours. And that point of time, we can have a discussion, question answer round, phone calls, any video call. I'll open myself for that 3 hours. And so I'll just after the session I'll let you know who will be there in my group. I'll be your buddy leader. So that's what I want to say. Yeah. Archana Chawla, Archana ji. Namaskar sir, Archana. मैं दिल्ली से हूँ. हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ. हाँ जी. जी, अब मेरे ख्याल मेरा फोटो आ रहा होगा. हाँ जी, तो दिल्ली से हूँ मैं और अभी तो होम मेकर हूँ और वेट मैनेजमेंट के लिए मेजर ध्यान दिया एंड डेफिनेटली हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हूँ, इसलिए ज्वाइन किया है. बहुत अच्छा सेशन लगा, चीज़ें कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती थी. हाँ, थोड़ा फूड को लेकर घबराई हुई हूँ, आदत नहीं है इस तरह बहुत ही कम एकदम डाइट पे आनी है, स्पेशली आज का डे जो बिल्कुल वाटर पे निकालना है. तो कोशिश करते हैं सर, बिल्कुल कोशिश करते हैं. जब आपने इतना पेन लिया और इतने लोगों को बेनिफिट हुआ है, बट थोड़े डिस्काउंट्स हैं तो बता दीजिए कि तो देखिए डिस्काउंट बहुत सारे हैं आपके लिए जी? आप धूप हवा पानी जितना मर्जी, आप कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई राशन नहीं है इसके ऊपर, कोई जीएसटी नहीं है, कोई आप जितना मर्जी धूप खाइए, पानी पीजिए, सांस को भी जितना मर्जी ले सकते हो आप, दिन भर लीजिए आप. जी 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 जी, ठीक है, पानी जितना मर्जी पी सकते हो आप, कोई राशन नहीं है. जी जी, बिल्कुल पी सकते हैं क्या? और मिट्टी में खूब खेलिए आप,
मट्टी में भी खेल सकते हो आप, बाहर जाना मुश्किल है, नहीं घर में मट्टी ले आइए, थोड़ी सी मंगा लीजिए ठीक है ना, और छत पर डाल के उस पर लोट प्लोट लगाइए, बिस्तर बना लीजिए, मड का मड बेड बना लीजिए एक, ठीक है ठीक है। और बताइए। ठीक है सर, डाइट का कोशिश करते हैं, या ये सातों दिन अगर ये रॉ फूड जो आपने डाइट दिए छह दिन एटलीस्ट वो तो कर ही लें, अगर हाँ। ये पानी वाला फास्टिंग अवॉइड हो जाए तो इतना डिस्काउंट अवेलेबल है तो पानी वाला अगली बार कर लेना, हमने कहा ना बेसिक भी कर सकते हो, बिना इसके भी कर सकते हो आप, बस ठीक ठीक है ना, बिना इसके भी कर सकते हो आप, अगली बार इसके साथ कर लेना, ठीक है सर, पूरी कोशिश। थैंक यू वेरी मच। देखिए हमने कहा चार तरीके से प्रोग्राम को कर सकते हो, पहला तो ये है कि भाई फास्टिंग मत रखिए आप, और इस भोजन में भी थोड़ी सी छूट ले सकते हो, जैसे क्या छूट ले सकते हो, नमक की थोड़ी छूट ले ली, कोई हर चीज में नहीं, किसी एक चीज में, किसी को गुड़ के बिना नहीं सरता तो नन्ही सी गुड़ की दली ले लीजिए, और किसी को ऑयल के बिना नहीं सरता तो एक चम्मच ऑयल ले सकते हो, इतनी छूट ले सकते हो एक चीज में, छह की छह में नहीं, डेयरी प्रोडक्ट में कोई छूट नहीं होगी, सिर्फ ऑयल में हो सकती है, एक पिंच ऑफ साल्ट में हो सकती है, या गुड़ की डली में हो सकती है, और तीनों में नहीं किसी एक में, और डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवॉइड करना, डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना, अन्न भी नहीं लेने, अन्न में छूट लेनी हो तो सोयाबीन की छूट ले सकते हो आप बस, और या मिलेट ले सकते हो उसकी जगह, क्या ले सकते हैं सर, मिलेट्स अच्छा मिलेट्स भी कौन सी ले सकते हो जो आपके यहाँ लोकल हो, जैसे नॉर्थ इंडियन मिलेट्स अलग होती है, साउथ इंडियन अलग होती है, तो आप जहां रहते हो वहां जो सबसे पॉपुलर मिलेट है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडियन में सामक के चावल है, ठीक है ना, रागी साउथ इंडियन में ज्यादा चलती है, ठीक है जी। तो ऐसे आप चुनाव कर लीजिए, किसी एक चीज को ले लीजिए थोड़ा सा, जैसे उत्तराखंड में चुलाई बहुत चलती है हमारी, चुलाई अमरंथ, अच्छा, तो जहां आपकी लोकल कोई मिलेट है उसको आप यूज कर सकते हो, नहीं तो स्वीट कॉर्न यूज कर सकते हो, बहुत सारे मैंने ऑप्शन बताए हैं आपको, स्वीट कॉर्न भी ये मिलेट में आएगा, ठीक है, मिलेट में तो नहीं लेकिन छूट है उसकी, आप ले सकते हो स्वीट कॉर्न, ठीक है, आई थिंक बेटर ऑप्शन दे दिया आज, तो बहुत बेटर ऑप्शन दे दिया, थैंक यू, यू आर वेलकम, थैंक यू। वाटर के साथ ग्रीन टी ले सकते हैं, वाटर के साथ ग्रीन टी ले सकते हो जी, और आप वाटर के साथ ग्रीन टी में शुगर नहीं डालनी है, लेकिन अगर आपको नहीं जमता तो जैसे ये डेट आता है, एक आध डेट ले सकते हो या किशमिश ले सकते हो दो चार दाने, थैंक यू सर, ठीक है ना, ग्रीन टी लिया तो ये आप ले सकते हो, ये बड़ी ग्रुप आप सबके लिए बनाओगे, हाँ सबके लिए मैं बनाऊंगा बड़ी ग्रुप अलग अलग, तो हम आप लोगों को 10-10 के ग्रुप में हम डिवाइड कर देंगे, अभी हमारे पास करीब 40 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो चार बड़ी ग्रुप हम बना देंगे, inform everyone because I need to leave, I have to take my mother for vaccination, हाँ हाँ आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको inform कर, I can also manage one body group, आप मुझे भी leader बना सकते हैं, अरे वाह क्या बात है शिवाजी, तबीयत खुश कर दिया आपने, चलिए तो वो छोटे बना देंगे, अभी जो एक तो रुचि जी सीमा जी का नाम लिख लीजिए, मेघा ने अपने आपको volunteer किया है, और झरना भी एक झरना के साथ बना देंगे, और अभी देखते हैं कि किसको किसको हम ये डिसाइड करेंगे हम आपके साथ बैठ के, ठीक है ना, ओके सर, तो एक बार लिस्ट आ जाए हमारे पास कि किन लोगों को क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं, उसके आधार पे हम बड़ी ग्रुप को डिवाइड कर लेंगे, सर सॉरी टू बॉदर यू बट आई हैव अ लिगामेंट टेयर इन माय एंकल, हाँ तो मेरा थोड़ा फिजिकल लिमिटेशन है, मतलब सम पोस्चर्स ऑफ सूर्य नमस्कार आई कैन डू बट नॉट ऑल, देखिए ऐसा है, हमारा निवेदन ये है आप अभी लिमिटेशन वर्ड को एक छोड़ दीजिए, लिमिटलेस करिए, लिमिटेशन की जगह लिमिटलेस करिए, आपको मालूम है अरुणिमा की कहानी पढ़िए आप यूट्यूब पे जाके पढ़िए, दोनों टांग कट गई फिर भी एवरेस्ट होके आई है आर्टिफिशियल लिंब से, और आपके अंदर तो लिगामेंट हो गया है उसमें सब सर्जरी वर्जरी सब कंप्लीट हो गई है, आपको पता नहीं है ये चीज को भी 3 साल हो गए बिकॉज इवन द डॉक्टर सेड द सर्जरी मे और मे नॉट बी सक्सेसफुल, so I need to wear a support even and I'm not supposed to walk barefoot even in the house, नहीं वो ठीक है, देखिए अभी थोड़ा थोड़ा डॉक्टर की मान लीजिए थोड़ी थोड़ी हमारी मान लीजिए, उसको भी खुश करते रहिए हमें भी खुश करते रहिए, और अपनी बॉडी से पूछ के करिए जो भी करिए, देखो अल्टीमेटली पूछिए अपनी बॉडी से, ना मेरी सुनिए ना डॉक्टर की सुनिए, मेरा तो कहना ये है 6 दिन के लिए अपनी सुनिए, जितना आपकी बॉडी करती है परफॉर्म उतना उसको करने दीजिए, जब उसको ज्यादा लगने लगे वहां रोक दीजिए, ठीक है ना, थैंक यू संयोगिता जी,
हाँ जी आई एम लीविंग या नमस्ते नमस्ते सर जी बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन अटेंड करके बहुत उत्साह आया है कि आगे और 5 दिन तो अच्छे से जाएंगे पर आज का आपने बोला है खाली पानी पी के फास्टिंग करना है वैसे तो पॉजिटिव हूँ मैं करने की इच्छा है लेकिन एक प्रॉब्लम है मुझे माइग्रेन का इश्यू है तो टाइम पे अगर खाना नहीं खाती हूँ कुछ नहीं इंटेक लेती हूँ तो माइग्रेन चालू हो जाता है तो इसके लिए मतलब आप क्या सजेस्ट करते हो कि पानी ही ले लूँ या पानी में कुछ और आप अच्छा देखिए जब माइग्रेन आपका चालू हो जाए तो मुझसे बात करो आप ठीक है कुछ खाने की जगह आज आपके लिए तो मस्ट है तो माइग्रेन जो एक भूत है उसको हमें सामना करना है मतलब कुछ भी खाकर उसको हम सुला देते हैं लेकिन है तो हमारे अंदर ही कितने दिन से माइग्रेन है आपको बचपन से है बचपन से आपकी उम्र क्या है 45 है 45 है तो बचपन का प्यार अब तक आपने बना के रखा हुआ है इतना प्यार मत करिए माइग्रेन से ठीक है ना तो अब उसको विदा करने के लिए तैयार हो आप हाँ जरूर हाँ तो 6 दिन के अंदर हो सकता है विदाई इसकी तो ब्रेकअप पार्टी का इंतजाम कर लीजिए आप माइग्रेन के साथ ना फिर पार्टी दोगे ना और अगर ये हो गया तो फिर क्या करोगे आप ये बताओ मुझे और 10 जन को बताऊंगी कि नहीं बताने से कुछ नहीं होगा जी आपको उनको सिखाना होगा अपने आपको इस योग्य बनाना होगा कि और लोगों को माइग्रेन से बाहर करा सको बराबर जरूर उसके, जरूर उसके लिए हमारे साथ तन मन धन से जुड़ना पड़ेगा हाँ जुड़ जाऊंगी तैयार हूँ मैं तैयार है बस ठीक है रुचि इनका नाम लिख लीजिए आप इनका माइग्रेन ठीक कराना है 6 दिन में ओके थैंक यू सर You are welcome. सर अब जिन्होंने नाम दिया तो उनका तो हो गया है कंप्लीट सो मे बी बाकी जो लोग हैं उनको हम ले सकते हैं हाँ जी हाँ जी अतिका जी आपसे शुरू करते हैं मैं अतिका गुप्ता हूँ मैं हैदराबाद से हूँ एंड आई एम एन आईटी कंसल्टेंट सो मेरा बेसिक वर्क 9 to 6 बैठ के करने का ही काम है तो जिसके कारण वेरियस प्रॉब्लम्स वेट वगैरह काफ़ी इंक्रीज हो गया है सर आपसे 2 questions थे ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है दिन में कितने बार भी अपन कर सकते हैं 2-3 बार कर सकते हैं अच्छा एंड ये जो कायोत्सर्ग है जिसमें जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन जिसमें आँख बंद करके अपने आप को बाहर फील करना है बॉडी के बाहर एंड ब्रीदिंग पे ध्यान देना है तो ये दिन में रात के सोने के टाइम पे करना है ये सोने के समय भी करना है खाने के बाद भी 10-15 मिनट करना है और सुबह उठने से पहले भी करना है अच्छा सुबह उठने से पहले एंड इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा सर जितना समय हो आपके पास इसी काम के लिए आए हो आप इस संसार में और कोई काम नहीं है सही है देखो मानव का सहज प्रयोजन विश्राम है आराम करना है ये आराम करने की कला है सर सर और एक क्वेश्चन है ये जो आपने डाइट में शाम को सैलेड एंड सूप्स भी ले सकते हैं तो उसमें लाइट सॉल्ट ऐड कर सकते हैं आपको अगर छूट लेनी है तो ले सकते हो अच्छा लेकिन नहीं लो तो अच्छा है ओके ठीक है सर ये मेरा कुछ क्वेश्चंस थे कुछ और हुए तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ थैंक यू एंड अब मुझे एक क्लेरिफिकेशन है सर ओके सर एक और चीज ये जो आपने कहा है एक्सरसाइज पुशअप्स एंड ये सब ये बिफोर सेशन स्टार्ट ये मॉर्निंग में ही करके अपन को कंप्लीट करना yes, है मॉर्निंग करके आने हैं ग्रुप में पोस्ट करना है अच्छा ठीक है सर थैंक यू सर आई हैव अ क्वेश्चन बोलिए सर जैसे इट्स रेलेवेंट टू टुडेस टाइम्स जैसे आजकल सबको ऑक्सीजन की कमी से यू नो पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सो हम लोग जब हम लोग अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स कर रहे हैं उसमें हम जो होल्डिंग पोजीशन में ऑक्सीजन का गैप रखते हैं ऑक्सीजन होल्ड कर रहे हैं सो ऑफ कोर्स हम व्हाट्स द डिफरेंस इन दैट सर मतलब
इसी से प्रॉब्लम हो रही है और हम इसको इसका बेनिफिट आपने जरूर बताया कि इससे वायरसेस मरते हैं और हम एक तरफ अभी न्यूज में आ रहा है कि ऑक्सीजन से वायरस यू नो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन ऑन दैट नहीं नहीं आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है आप क्या कहना चाहते हो सर आई वांट टू से कि आजकल न्यूज में आ रहा है लोगों को ऑक्सीजन की कमी है एंड यू नो वायरस उससे उनको प्रॉब्लम हो रही है डेथ हो रही है ये है वायरस है ऑलरेडी बॉडी में एंड और हम अपनी ब्रीदिंग के इसमें होल्डिंग पोजीशन में ऑक्सीजन ऑफकोर्स होल्ड करें तो ऑक्सीजन नहीं है हम ये एंड आप बताते हैं कि उस टाइम ऑक्सीजन नहीं होने से वायरस मरता है हाँ देखिए मेघा का प्रश्न ये है कि एक तरफ तो हमें ऑक्सीजन बढ़ानी है ऑक्सीजन की कमी हो रही है इस वायरस से दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी करनी है बॉडी में तो देखिए जो कमी कर रहे हैं हम एक मिनट के लिए कर रहे हैं और दिन में और दो तीन बार करेंगे सिर्फ यानी कि तीन मिनट सिर्फ एक बार में पहली बात तो 24 घंटे हम सांस को ले रहे हैं ना तो तीन मिनट का आपका ऑक्सीजन कम नहीं होगा बल्कि ऑक्सीजन बढ़ेगी उससे आपकी क्यों क्यों बढ़ेगी ध्यान रखिए कि और ना वायरस को मारने की हमारी कोशिश है तो इसको भी बहुत ध्यान से समझना है हमने ये बताया कि जब 30 बार आप डीप ब्रीदिंग करते हो जिसमें 100 बार आप 100% सांस को भरना सीखते हो 100% 80% निकालते हो तो 20% ऑफ रिटेनमेंट जो ऑक्सीजन है रिटेनमेंट ऑफ ब्रेथ है ये हमारे सेल्स को एनर्जाइज्ड करता है हमारे ब्लड को रिक्लाइन बना देता है right. तो जो नॉर्मल व्यक्ति तो जानता ही नहीं कि कैसे अल्कलाइन बनाए वो तो अल्कलाइन वाटर पी रहा है राइट सो दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग आल्सो कि बिकॉज़ अल्कलाइन बॉडी है इसलिए हमें सो जिनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है उनका बॉडी मोस्टली एसिडिक होगा तो ही प्रॉब्लम हो रहा है अगर अल्कलाइन yes. होता यस yes. पहली बात तो अल्कलाइन बॉडी नहीं है दूसरी बात और अब हमारे प्रोग्राम से ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ता है मैं तो कहता हूँ जिसको कोरोना हो लेकर आइए हम कोरोना ठीक करते हैं ना 6 दिन में पहले दिन अगर सिम्टम मिलते ही कोई आ जाता है तो हम 6 दिन में कोरोना को ठीक करके प्रमाणित कर सकते हैं उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी आप देखिए नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी इतनी ताकत है सेट आवश्यक में कैसे बताइए तो पहले तो डीप ब्रीदिंग से हमने डीप ब्रीदिंग से क्या किया डीप ब्रीदिंग से हमने अपनी बॉडी को रिचार्ज किया ब्लड को एल्कलाइन बनाया और जो सेल्स में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिलीज किए एंटीऑक्सीडेंट बढ़ गए आप उसमें और उसके बाद जब एक मिनट सांस को बाहर रोका तो जितने भी वायरसेस हैं जब आप आर्टिफिशियली रूप से ऑक्सीजन की कमी करते हो बॉडी में तो जितने वायरसेस हैं हाफ सेल्स हैं कैंसर सेल्स हैं पैरासाइट्स हैं वो सबसे पहले घबराते हैं Just because their bodies alkaline, because जिनको अभी ऑक्सीजन का कमी हो रहा है वो लोग तो उनके वायरसेस तो नहीं मर रहे सर मतलब just because of the body being alkaline इसलिए वो नहीं नहीं खाड़ी लेकिन बॉडी अल्कलाइन होना अलग बात है आप बात समझिए और आर्टिफिशियल हमने ऑक्सीजन की कमी की और उससे वायरस घबरा रहे हैं वो अलग बात है उससे वायरस घबरा रहे हैं लेकिन बॉडी के सेल्स नहीं घबरा रहे हैं ब्रेन सेल्स नहीं घबरा रहे हैं ब्रेन सेल्स क्यों नहीं घबरा रहे हैं और वायरस क्यों घबरा रहे हैं उससे वायरस को इतनी अकल नहीं है जो वायरस है आपको वो इतना समझदार नहीं है वो तो आपकी नासमझी से हावी हो रहा है आपके ऊपर right. तो आपके ब्रेन सेल्स इंटेलिजेंट हैं उनकी ताकत को हम बढ़ा रहे हैं उनमें भरोसा आ जाता है ठीक है ना और जब वो आर्टिफिशियली ऑक्सीजन की कमी हो रही है आप देखिए तो सारे जो वायरसेज है सब आपके शरीर को छोड़ रहे हैं और तीन बार आपने कर लिया दिन भर में चार बार कर लिया पांच बार कर लिया और जिन लोगों को ये कोरोना की शिकायत है उनको हम 6-6 बार तक कराते हैं और ये जो डीप ब्रीदिंग हम 30 बार करा रहे हैं उनको 40-50-60 बार तक कराते हैं पहली बात तो क्योंकि क्लिंजिंग करनी है ना अंदर से और कोई तरीका नहीं है वायरस को निकालने का आप वायरस को मार के नहीं निकाल सकते ये आपकी गलत फहमी है कि वायरस को मार के निकाल सकते हो जिस भी चीज को आप खत्म करना चाहोगे वो और स्ट्रोंगर होकर आती है और ये आपको प्रमाणित हो गया देखिए जब हम पहली बार हमने आप बहुत पहले आई थी मेगा प्रोग्राम में हम तभी कह रहे थे वायरस कहीं जाने वाला नहीं है ये और स्ट्रोंगर होकर आता रहेगा अब जो वायरस आया है ये और भी स्ट्रोंगर है अभी तो ये जवान लोगों पर हमला कर रहा है आप दिल्ली में 65% वो लोग हैं जो जवान हैं
वो मर रहे हैं 45 साल से नीचे की डेथ हो रही है, और अगली बार जब आएगा तो बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा ये, और स्ट्रोंगर बन के आता रहेगा जितना इसके खिलाफ आप युद्ध करोगे, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो देखिए देखिए प्रकृति का एक सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप तो एक तो फिट बनाना है अपने आप को, दूसरा अपनी बॉडी को अंदर से प्योरीफाई करना है, अंदर से क्लीन करना है, और खाली बॉडी को क्लीन करने से भी नहीं चलेगा, मेगा मन को भी क्लीन करना है। कल बात करेंगे हम कि 6th लेवल पे कैसे हम प्यूरिफाई करके वायरस को अपने आप से दूर रख सकते हैं। चलिए और इसके बाद एक काम और होता है डीप ब्रीदिंग में, देखो आप पहले तो आपने निकाला वायरस को दूर कर, उसके बाद फिर आपने सांस को भीतर होल्ड किया जिसको आंतरिक कुंभक कहते हैं, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है। आपने अगर 15-20 सेकंड भी सांस को रोक लिया भीतर भर के, तो आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जीने का भी तरीका आप बॉडी को सिखाते हो। फिर आप विपरीत एटमॉस्फेयर में जहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां गंदा एटमॉस्फेयर है, उससे भी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में समर्थ बन जाती है। तो बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ भी जीना हम सिखा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल, और ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ता है, आप अपना ये ऑक्सीमीटर है इसमें अपने आपको देखिए कभी, और जिन लोगों का 100 और 90 के बीच में रहता है उनको आप 15 मिनट ये करा दीजिए। क्या करा दीजिए, नॉर्मल ब्रेथ को ही ऑब्जर्व करना सिखा दीजिए, सिर्फ सांसों को देखना सिखा दीजिए, उससे ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है विद इन 15 मिनट्स। तो सांसों पे अभी काम ही नहीं हुआ है, सांसों पे काम करोगे तो सांसों में अद्भुत क्षमता है, उनको हम बहुत इंटेलिजेंटली प्रयोग कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि आप देखिए कि बॉडी में स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर, और डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी भी नहीं कर सकते हम इनकी, और बॉडी बेड रेस्ट है वुमेन, उसको सिर्फ सांस देखना ही सिखाया, सिर्फ सांस देखना, नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ, और उसी से वो लेडी खड़ी हो जाती है 6 महीने में। आप कहोगे क्या हुआ उसके साथ, तो हमने कुछ भी नहीं किया। आपके बात पकड़ में आ रही है ना? तो ब्रेथ का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, लेकिन उसको कैसे इंटेलिजेंटली हमें यूज करना है। सारे दिन पड़े रहो, गप्पे सप्पे मारते रहो, सोशल मीडिया देखते रहो, उससे क्या होगा? आप सांस को देखते रहो ना, जितने भी आपके घर में बूढ़े माँ बाप है उनको सांस देखना सिखाओ आप, और उनके लड़ाई झगड़े, फालतू की बातें, डिप्रेशन, अल्जाइमर, पार्किंसन और डिमेंशिया उनको टच भी नहीं कर सकता है। ये बुढ़ापे को गरिमा में पूर्ण बनाने की भी कला है। चलिए, हाँ जी नीलू जी, आप अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं, नीलू जी आ जाइए। नीलू जी फ्रॉम सिलीगुड़ी, बताइए मैडम जी। जब ये पहले दिन आई थी प्रोग्राम में, 3 दिन 4 दिन, आप अपना अनुभव शेयर करिए, क्या हालत थी आपकी? सर एक्चुअली अपना परिचय दीजिए पहले, परिचय। My name is Neelu Agarwal from Siliguri. So actually right now I'm having a slight headache. मैं आपको after the session call करती हूँ। ठीक है। Because I'm not feeling very comfortable to speak. ठीक है। तो आपने कुंजल कर लिया? जी सर, कुंजल कर लिया सर। मुझे थोड़ा आज लग रहा है कि माइग्रेन अटैक हो रहा है। कोई बात नहीं, आप आराम करिए, लेट कर। सर आराम के अलावा जैसे इसको ये जो पेन है ये सर अनबियरेबल होता है, तो इसको आराम से ही, मतलब इसके अलावा कुछ ब्रीदिंग वगैरह करूँ या कुछ और टेक्निक जैसे जो? देखिए सर, तो आराम से ब्रीदिंग टेक्निक तो कर सकते हो आप, लेकिन आराम करिए, जब तक कुछ खाइए मत जब तक सिर में दर्द है। आज मैं खाई नहीं, बट मैं अभी आज वाटर फास्टिंग ही कर रही हूँ सर, मैंने अभी जस्ट ग्रीन टी लिया है। ठीक है ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ग्रीन टी ले सकते हो। ओके हाँ जी, और किसने नाम डाला है रुचि को? सर अब जो भी जिन लोगों ने प्रायोरिटी के लिए डाला था वो सारे तो खत्म हो गए हैं, तो अब लोग पीपल कैन कम फॉरवर्ड एंड स्पीक, किसे बोलना है आपको? हाँ तो एक तो अमृत जी है, अमृत जी की नहीं हुई है, अमृत जी आप देख लीजिए किन किन की नहीं हुई है, सबकी करा दीजिए। अमृत जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, मैं भारत सरकार में गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और प्रोग्राम ज्वाइन किया है मैं
शांति से सबको सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ। I expect to gain a lot of it. Thank you. कहाँ से हो सर जी आप? मैं वैसे तो लखनऊ का हूँ, पर भारत सरकार में भी पोस्टिंग है हमारी। दिल्ली में हो? दिल्ली में हो? जी हाँ, दिल्ली में। ओके। हाँ जी, और कौन? अमित जी। अमित जी आपका हो गया? कोई अमित जी कोई प्रश्न हो? और सर हाँ जी, मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकते हो, बात करिए सर। सिर्फ एक पूछना है, सिंस आपका जो टाइम लिमिट है, अगर इफ वी कैन रिस्ट्रिक्ट टू 6 to 8:30 वो है, बिकॉज 9 बजे से हमको काम शुरू करना है और हमको कुछ भी मिस नहीं करना है, तो ये 9 बजे तक थोड़ा डिले हो जाता है। तो आई डोंट वॉन्ट टू लीव, आई वॉन्ट टू लर्न मैक्सिमम, तो ये थोड़ा सर अगर हमारी रिक्वेस्ट सुन सकते हो तो रिक्वेस्ट कर ले। देखिए ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया है, अभी जिनको क्वेश्चंस पूछने हैं अपनी शेयरिंग करके आप जल्दी जा सकते हो, ठीक है ना? नहीं नहीं सर, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस में भी लर्निंग है, आप जो आंसर दोगे तो वो है। तो आपने बोला था 8 से 8:30 वो, हाँ 9 बजे खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है, आई गोट योर पॉइंट। देखिए ऑलमोस्ट खत्म ही है हमारा प्रोग्राम। शारदा जी, हाँ जी शारदा जी,